नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियोस को आगे बढ़ाने से पहले, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, प्लीज खुद की रिसर्च एड ऑन कर लेना। और एक और चीज बोल दूं, पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलना, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह, राइट। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं 5,000 रुपए का पोर्टफोलियो पैनी स्टॉक्स ऑफ 1 रुपी, या बोल सकते हो पैनी स्टॉक बिलो 1 रुपी। और क्या ये पैनी स्टॉक लिस्ट क्या आपको मल्टी बैगर रिटर्न देके जा सकती है? जैसे आपको याद है मैंने बहुत सारे पैनी स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए और कुछ स्टॉक्स आपको उनमें से 1000%, 500% का गेन दे रहे हैं और कुछ स्टॉक्स आपको छोटा मोटा गेन दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ स्टॉक्स आपके सस्पेंड भी हुए हैं। फेस टू फेस बात बोल रहा हूं, इतना क्लियर बात बोल रहा हूं कि पैनी स्टॉक्स में कुछ पैनी स्टॉक्स आपके मल्टी बैगर बनेंगे, मल्टी बैगर के बाप बनेंगे, और कुछ पैनी स्टॉक्स आपके इस दौरान सस्पेंड होंगे, मतलब कुछ में आपका पैसा डेफिनेटली जीरो होगा, ठीक है। इसके लिए हमने ये 5,000 का पोर्टफोलियो आपके लिए बनाया, छोटा सा पोर्टफोलियो। और ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है दोस्तों, देखो मैंने आपको एक बात बोली कि सस्पेंड होंगे, तो अगर 10 पैनी स्टॉक बाय करोगे तो 2 या 3 तो भैया डेफिनेटली जीरो होने वाले है। अगर वो 3 स्टॉक्स के चक्कर में आप कभी पैसा नहीं लगाओगे पैनी स्टॉक में तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जो अगले 7 स्टॉक्स होंगे वो आपको इतना बड़ा पैसा बना के देंगे जो आपकी लाइफ बदल सकती है। अब मर्जी आपकी, आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक आप मुझे मोटिवेट करेगा कि आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाऊं। अगर इस वीडियो में 1000 लाइक्स क्रॉस हो जाते हैं तो डेफिनेटली मैं एक मल्टी बैगर स्टॉक लेके आऊंगा आपके लिए, या एक और पोर्टफोलियो लेके आऊंगा जो मात्र 1,000 रुपए का होगा, 2,000 का होगा, 10,000 रुपए का होगा, ठीक है। जो भी आपको पोर्टफोलियो चाहिए आप मुझे कॉमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा, पार्ट 2 बना देंगे हम, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको स्टॉक्स के नाम और कुछ उनके प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल स्टेटस बताऊंगा कि स्टॉक मुझे पर्सनली क्यों पसंद आते हैं। और कोई कोई स्टॉक्स जो मैंने आपको रिकमेंड किए थे वो पहले मात्र 70 पैसे, 20 पैसे में ट्रेड कर रहे थे, आज स्टॉक का प्राइस मोर देन 1 रुपी हो चुका है, तो ध्यान देना, ठीक है भाई। लेके चलता हूं चार्ट की तरफ। एंड दोस्तों, बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं सर हमारा कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, आप प्लीज हमारी हेल्प नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखो, मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रन करता हूं, रन का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कुछ पैसे ले रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमारा काम आपके साथ फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाना है, फ्री का मतलब ये नहीं कि आप शेयर ना करो, तो वीडियो को अभी के अभी फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से शेयर करो, व्हाट्सएप में टैग करो, इंस्टाग्राम में टैग करो, और करने के बाद डायरेक्टली मुझे यहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। हर संडे मेरी प्राइवेट क्लास होती है और प्राइवेट क्लास के लिंक्स उन्हीं को मिलते हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। देख सकते हो जैसे ये लोग शेयर करते हैं और उनको मैं क्लास के लिंक देता हूं। अभी तक क्लास 24 हो चुकी है, अब क्लास नंबर 25 आपकी होने वाली है। तो अगर आपको लिंक चाहिए, सीखना चाहते हो, आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अब मैं बढ़ता हूँ स्टॉक्स की तरफ। तो ये पहला स्टॉक निकल के आता है सेल प्रो सानिमा प्रोडक्शन लिमिटेड, ये स्टॉक लगातार एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है और बहुत लोग कह रहे हैं सर इसमें हमारा पैसा तो फंस चुका है, ये स्टॉक तो ऊपर चलने का नाम नहीं ले रहा, क्या करें। दोस्तों यही बोलूंगा, इसलिए बोला जाता है कि पहले स्टॉक में इतना पैसा लगाओ जितना आप में पेशेंस हो और खोने के लिए रेडी हो। तो भैया सबर करो, जिस दिन ये चलना स्टार्ट होगा ना तो आप शायद भूल जाओगे, आप बोलोगे सर मैंने रैली मिस कर दी। इसलिए छोटा मोटा पैसा जो लगाना है 1,500 रुपए लगा के छोड़ दो ब्रो, बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला स्टॉक दोस्तों ये देख सकते हो, आज ही मैंने इसको देखा है, नीचे किसी ने कमेंट किया था और आप देख सकते हो स्टॉक का नाम, अगर मैं गलत सही पढ़ पा रहा हूँ, विंट्रो इंफोमेटिक्स लिमिटेड, ठीक है, विंट्रो इंफोमेटिक्स। दोस्तों आप देख सकते हो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाता है, सीसीटीवी कैमरास बनाता है, उनके जो सर्किट होते हैं उनका बनाने का काम ये करता है। बीएससी का पैनी स्टॉक है, मात्र 1 रुपए का इसमें ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक पर्सनली मुझे क्यों पसंद आता है उसका एकमात्र रीजन है, वो क्या है आपको नीचे लेके चलता हूं। यहां पर आप देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टॉक पे 75% है, दिस इज द रीजन आई एम सेइंग टू यू बाय दैट स्टॉक। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स का स्टॉक में 75% का हिस्सेदारी है, ठीक है। और साथ में बोल देना चाहता हूं 1 रुपए का प्लेज नहीं है, प्लेज का मतलब गिरवी
नहीं रखा हुआ है। और बैक चार्ट आप देख सकते हो 10 रुपए से गिरकर सपोर्ट ले रहा है। जनवरी 2018 में 32 पैसे का लो लगाया था, 32 पैसे का लो लगा, लेकिन प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची नहीं बल्कि सेम होल्ड करके रखा हुआ है। तो समझो बात को, प्रमोटर्स ने अगर होल्डिंग नहीं बेची तो कुछ ना कुछ तो स्टॉक में चल सकता है फ्यूचर में, जो सिर्फ प्रमोटर्स को पता है, मुझे भी नहीं पता, सिर्फ प्रमोटर्स जानते हैं। कि भैया मालिक को पता होगा ना कि मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, या आपको पता होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे तीसरे पेनी स्टॉक बिलो अराउंड 1 रुपी, जिसका नाम है विजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 70-80 पैसे के आसपास आपको सजेस्ट किया था, 1.72 रुपए चल रहा है। आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट की कंपनी है। ठीक है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और साथ में कंपनी का आपको दिखाता हूं कुछ 6 पॉइंट हाईलाइट पॉइंट। देख सकते हो कंपनी छोटा मोटा प्रॉफिट आपको लगातार दे रही है। नीचे लेके चलता हूं फिर उल्टी पैटर्न की तरफ, तो आप देखोगे कि यहाँ 25% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा लगा हुआ है, और साथ में क्या पॉइंट निकल के आता है, यहाँ प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक में स्टॉक में 74% के आसपास का हिस्सेदारी हमें देखने को मिल जाती है। और पब्लिक में दोस्तों देखिए कितने बड़े बड़े नाम है, ऑलमोस्ट 2% के आसपास की हिस्सेदारी इनकी हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हमारे अगले पेनी स्टॉक के नाम की तरफ। दोस्तों ये पेनी स्टॉक आपका 2.43 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसकी जो बुक वैल्यू निकल के आती है आपके सामने है, ऑलमोस्ट 17 रुपए की बुक वैल्यू हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, कंपनी जो खाने में फूड इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, कलर्स, उनको बनाने का कामकाज करती है। नीचे लेके चलता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी स्टॉक में बढ़ाई है 5% के आसपास, इसलिए स्टॉक मुझे इसलिए पसंद आ रहा है। आप देखिए 47% के आसपास इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल जाती है, साथ में पब्लिक का पैसा मात्र 52% के आसपास है। आप देखिए ये रहा 47%, पहले 42% के आसपास की हिस्सेदारी थी इस पैनी स्टॉक में। बढ़ते हैं हमारे कुछ अलग पैनी स्टॉक की तरफ। जैसे कि दोस्तों ये स्टॉक भी मुझे काफी पसंद आता है, मेगा कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक 70 और 60 पैसे के आपने सजेस्ट किया था, और आज आपका स्टॉक 1.25 रुपए ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने ऑल हाई लगाया है सितंबर के महीने में 1.45 रुपए, करंटली 1.25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो एक साल में स्टॉक ने 155% का गेन दिया है। बढ़ते हमारे अगले स्टॉक की तरफ, नाम स्पेस इनक्यूबा बैक्ट्रिक्स। दोस्तों ये स्टॉक भी हमने आपको 70-80 पैसे का सजेस्ट किया था, करेंटली आपका 1.47 रुपए का इसका ट्रेड कर रहा है। और सोचो देखिए स्टॉक की जो बुक वैल्यू है 9.54 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 24% के आसपास प्रमोटर्स का विश्वास है, और कंपनी छोटा मोटा प्रॉफिट आपको देती रहती है बुक्स में, मतलब 1 लाख का 2 लाख का 5 लाख का। ठीक है, इतने बड़े प्रॉफिट नहीं होते कि मैं बोलूं भैया करोड़ों के प्रॉफिट हो रहे, नहीं, करोड़ों के प्रॉफिट नहीं हो रहे, छोटे मोटे प्रॉफिट होते रहते हैं। बढ़ते हमारे अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है लुहारका मीडिया इंफ्रा। ठीक है, लुहारका बोल सकते हो उसको, या लुहारुका बोल सकते हो, जो भी आपको प्रोनाउंस करना आप कर सकते हो। नाम में क्या रखा, हमें तो पैसा और ऐसे मतलब है। आप देख सकते हो मैक्स चार्ट स्टॉक का रिटर्न आपको प्लस दे रहा है। मैक्स चार्ट आप देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 150 रुपए से गिरकर नीचे आया, सपोर्ट ले रहा है 55 पैसे के आसपास, तो डेफिनेटली स्टॉक को भी आप नजरों में रख सकते हो। अगला स्टॉक निकल के आता है पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड। स्टॉक करोड़ों का प्रॉफिट दे रहा है लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में। आपको याद होगा स्टॉक ऑल टाइम लो चेक करो भैया कितने रुपए का है, 33 पैसे का, यही आपको रिकमेंड किया था। और आज देखो स्टॉक हमें मल्टी लगा दे रहा है, स्टॉक करंटली ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो भैया बोलूंगा सोच समझ के पैसा लगाना, ज्यादा बड़ा पैसा मत लगाना। इंडिया इंफोटेक, दोस्तों इंडिया इन्फो शेयर भी हमारा एक पैनी स्टॉक है, आपको दिखा दूं, स्टॉक मुझे काफी पसंद आता था जब स्टॉक का प्राइस 19 पैसे ट्रेड किया करता था। अभी भी पसंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 15 पैसे का लो है, पर हाई चेक करो 1.98 रुपए। यही ये स्टॉक भी हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से सजेस्ट किया था, और आज स्टॉक हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देके जा रहा है शॉर्ट टर्म में। तो मर्जी आपकी, आपको पैसा लगाना ही लगाना। बाकी मेरा जो फाइनल स्टॉक निकल के आता है वह विजन कॉर्पोरेशन। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी अपने बुक वैल्यू से काफी सस्ते में आपको मिल रहा है। स्टॉक की बुक वैल्यू निकल के आती है 11 रुपए के आसपास। ठीक है, 11 रुपए के आसपास निकल के आती है, प्रमोटर्स का अच्छा खासा पैसा स्टॉक में लगा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ पैन स्टॉक्स है, बिलो 1 रुपी भी स्टॉक्स है, बिलो 5 रुपी भी बोल सकते हो, फिर बिलो 10 रुपी भी आप उसको बोल सकते हो। तो डेफिनेटली चाहो तो इन पैन स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हो। और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, प्लीज एक बार खुद की रिसर्च एड ऑन कर लेना, उसके बाद डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है। ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, ठीक है, क्या बता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलना, क्योंकि वही आपको अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। हमारा काम आपको अच्छे स्टॉक शेयर करना कि स्टॉक अच्छे रिटर्न देके जा सकते हैं, जैसे
पास में कुछ स्टॉक हमें रिटर्न देके गए भी है। एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा दूं, जैसे स्केप डीडीआर याद होगा, जिनको नहीं याद है सर्च मार लेना, ठीक है, काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है, 13 रुपए ट्रेड कर रहा है, 1 रुपए 20 पैसे का लो लगाया था और 1.5 रुपए के आपको सजेस्ट किया था। एक और एग्जाम्पल देख लो आप, ठीक है, नाइसा कॉप, एक नाइसा कॉप था, ठीक है, और जो भी स्टॉक आपको रिकमेंड किए सभी ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं और काफी सस्ते दामों में हमने बाय करवाए थे पहले आप लोगों को। आप देख सकते हो नाइसा कॉप 5 रुपए का इसमें ट्रेड कर रहा है, 38 पैसे का स्टॉक का लो है। आप मैक्स चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक लगातार कितने नीचे से गया है, 65 पैसे से ऑल टाइम हाई लगा है 9 रुपए का। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है जो पास में आपको सजेस्ट किए गए थे, अभी स्टॉक हमें काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और भाई ये रिटर्न के पीछे मत मांगना, प्लीज प्लीज खुद की रिसर्च एक बार ऐड कर लेना। बाकी नहीं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, अच्छा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हाँ, पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट कर दो, पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा, राइट। बाकी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो भी आपके क्वेश्चन है मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प वहां कर दूंगा।